बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज। बुलंदशहर में अजगर निकलने का सिलसिला जारी। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव अमरपुर में एक 15 फीट लंबे और लगभग 50 किलो वजन का अजगर निकला। बुलंदशहर क्षेत्र में अजगर सांपों का निकलना जारी। आए दिन अजगर सांपों के निकलने से जनता में दहशत फैली। आज भीड़ जो इकट्ठी है, क्या कारण है? यहाँ पे ये सांप मिला है हमारे खेत में और ये गीदड़ है, इसको खाए हुए था। लोगों ने मुझे इत्तला करी, मैं घर पे था, वहाँ से आया हूँ। किस प्रजाति का सांप मानते हैं साहब? अजगर कह रहे हैं ये लोग, तो यहाँ जो पुराने हमारे बुजुर्ग भी हैं। चाचा आइए इधर, ये लोग भी हैं, बता रहे हैं कि अजगर हैं। अजगर सांप 2-3 दिन से अमरपुर के जंगलों में देखा जा रहा था। बीते रात अजगर ने एक गीदड़ को मारकर खाने का प्रयास किया। जब खेत मालिक खेत में पानी देने के लिए गया तो देखा कि अजगर सांप गीदड़ को गटकने का प्रयास कर रहा था। खेत मालिक ने शोर मचाया तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने अथक प्रयास के बाद मृतक गीदड़ को अजगर के मुख से निकाला। आज अजगर को पकड़ा आपने, तो इसको क्या करना है आपको? इसको बस यही छोड़ा गंगा घाट पर। इतना आपको फोन 1-1.5 घंटे पहले फोन गया था, इतना लेट आना क्या कारण? साइकिल से। कहाँ से आयो? हरेला बांगर। अच्छा, आपको और अधिकारी भी आने की? सनील साहब का फोन आया। क्या कहा उन्होंने? थाने चले जाओ, वहाँ से अजगर। अब कोई और अधिकारी आ रहा है आपका? डिप्टी साहब वो चौराहे। और इकट्ठा भीड़ ने अजगर सांप को रस्सी में बांध कर पेड़ पर लटका दिया और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के गार्ड ने अपनी टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बोरा में बंद कर दिया। बुलंदशहर से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।